हाय एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल सरकारी नौकरी में। तो 69,000 सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में, जहां आप सुन रहे होंगे कि आरोप से आरोप लगते चले जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर लोग आरोप मार रहे हैं, बातें अब मंत्री तक पहुंच रही हैं, कुछ आला अधिकारियों तक ये बातें पहुंच रही हैं। जहां आरोप एक दूसरे पर लगाने की बात हो रही है, वहीं आरोपों का सिलसिला जो है लगातार बढ़ रहा है और आरोप के जो प्रूफ हैं वो भी लगातार सामने आ रहे हैं। तो इसी तरह के एक आरोप का प्रूफ मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ, जो हमारे एक व्यूअर द्वारा भेजा गया है। इसमें 69,000 भर्ती में जो रहस्य एक सामने आ रहा है कि योग्यता एक कमरे की है और सभी एक कमरे के जितने होनहार हैं इनको बधाई हो, क्योंकि सरस्वती बाल विद्या मंदिर चकदौड़ नगर नैनी प्रयागराज ब्लॉक बी के का यह सेंटर है, जहां पे एग्जाम जो है 6 जनवरी को 2019 में हुआ था और सीरियल क्रम में जितने भी कैंडिडेट बैठे थे सभी के सब बधाई के पात्र हैं, सबको इस भर्ती प्रक्रिया में अध्यापक की नियुक्ति मिलने वाली है। आपने बहुत सारे सेंटर देखे होंगे, बहुत सारा एग्जाम अभी तक दिया होगा, लेकिन यह आपके जीवन का पहला एक एग्जाम सेंटर आपको देखने को मिलेगा जहाँ का पूरा कमरा ही क्वालिफाइड हो गया है, जहाँ के पूरे जितने बच्चे क्लास में बैठे थे सब के सब इस नौकरी के पात्र हो चुके हैं। बहुत सारा एग्जाम होगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम सेंटर होगा, वहाँ भी लोग पास होते होंगे, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में 100% रिजल्ट किसी भी कमरे का नहीं आता होगा। वह 100% रिजल्ट वाला शायद कमरा बना दिया गया था। तो देखिए आगे डिटेल में, आप लोग स्वयं ही रोल नंबर 98 से 420 तक चेक कर सकते हैं, हकीकत आपके सामने होगी। इस तरह का हेडिंग आप सामने देख सकते हैं। अगर आपको विश्वास ना होगा तो आप भी अपने साइट से इसकी साइट पर जाकर रोल नंबर डाल करके खुद चेक कर सकते हैं। तो देख सकते हैं पहला यहाँ पे रोल नंबर लिखा हुआ है, डेट ऑफ बर्थ है, कैटेगरी है 112 क्वालिफाइड। रोल नंबर आप देखिएगा, लास्ट में जो डिजिट लिखा हुआ है रोल नंबर का, उस पर आपको ध्यान देना है। नाम में क्या रखा है साहब, नाम तो सुना ही होगा, वही वाला डायलॉग है, 398 399 400 401 402 403 404 405 406, ऐसा लग रहा है पैसा गिना जा रहा है या किसी छात्र या छात्रा का काउंटेशन किया जा रहा है। 407 408 409 410 411 क्रम से रोल नंबर लिखे हुए हैं। कुछ जगह रोल नंबर नॉट फाउंड भी दिखा रहा है, वो साइट की प्रॉब्लम से या उन लोगों के ओएमआर में कोई प्रॉब्लम आ गया होगा, इस वजह से जो है ये रिजल्ट नॉट फाउंड दिखा रहा है। आप आगे देखते जाइए कि यहाँ से 409 410, ये जितने भी सीरियल वाइज आप देख रहे हैं, बताते बताते कोई थक जाएगा, लेकिन रोल नंबर और 100% रिजल्ट का क्रम नहीं थकेगा। देखिए यहाँ पे रोल नंबर नॉट फाउंड, ये नॉट फाउंड वाले वही लोग हैं जो अपने ओएमआर को भी अच्छी तरीके से नहीं भर पाए होंगे, लेकिन नंबर इनको 100% चाहिए था। ये वही लोग हैं जो 100% लाने की हमेशा उम्मीद रखते हैं और अपने उम्मीद पर खड़े भी उतरते हैं, जिस वैकेंसी में हाथ डाल देते हैं उस वैकेंसी को पार तो लगा ही देते हैं ऐसे लोग। देखिए यहाँ पे जितने भी रोल नंबर हैं, फिर 409 से लेकर के 420 तक, अच्छा रोल नंबर है 420, यहीं पर आपको बता रहा है कि 420 ही हुई है। तो 420 रोल नंबर तक आप देख सकते हैं, कोई भी ऐसा कैंडिडेट नहीं है जो डिसक्वालीफाइड लिखा हुआ है। कुछ लोग अब्सेंट हैं, अब ये वहाँ से क्यों अब्सेंट हो गए, हो सकता है लेट हो गया हो सकता है जग ना पाए हों टाइम से एग्जाम सेंटर पे, 11 बजे का टाइमिंग था पहुँचने का, हो सकता है ना पहुँच पाए हों, सोए रहे हों विद्यार्थी। तो इस तरह के जो रोल नंबर नॉट फाउंड लिख रहे हैं, ये आप समझ सकते हैं ये वही होनहार हैं जो शायद रोल नंबर को भी ओएमआर में ठीक से ना भर पाते हों। तो इस तरह से बहुत बड़ा लिस्ट है, इसको आप खूब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, सब तक पहुंचाएं, पूरा इंडिया पूरा हिंदुस्तान देखे, अगर आप चाहें तो पूरा वर्ल्ड देखे कि इस किस तरह का कारनामा, किस तरह का गुल जो है वैकेंसीज में खिलाया जाता है, और इसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ता है जो काफ़ी तैयारी करके किसी तरह 90-97 ला रहा है, 100 ला रहा है, 105 110 तक ला रहा है, उसकी क्या व्यथा है, उसकी क्या क्या व्यथाएँ हैं, क्या क्या दुख है, वो आप आगे देखिए, वीडियो में बने रहिए लास्ट तक। देखिए पहली व्यथा यहाँ पे कोमल सिंह है, कोमल सिंह जैसी बहुत सारी लड़कियाँ, बहुत सारे लड़के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो लास्ट स्टेज पर हैं, इसके बाद किसी वैकेंसी को नहीं भर सकते हैं ओवर एज के कारण, और भी बहुत सारे लोग हैं जो तैयारियाँ करके किसी तरह इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए हैं, वो लोग रोना रो रहे हैं, किसी तरह बैठ करके एग्जाम की तैयारी किए थे, किसी तरह इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल हुए थे, किसी तरह वह टिट में थोड़ा सा नंबर ला करके पास होकर के क्वालिफाइड होकर के और इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने का पूर्ण जज्बा दिखा करके अपनी तैयारी कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि सारे होनहार एक ही जगह कमरे में बैठकर 100% रिजल्ट ला करके गिनीज बुक में अपना नाम लिखाने की कोशिश कर सकते हैं। तो कोमल सिंह देखिए यहाँ पे क्या कह रही हैं, ये
69,000 आवेदन अंकित त्रुटि संशोधन में बोल रही हैं, सर प्लीज हेल्प अस अदरवाइज वी विल कमिट सुसाइड। देखिए बहुत बड़ी बात है, अगर कोई भी देश का युवा या युवती, अगर वह छात्र है छात्रा है और इस तरह की बात करती है, अपने हक के लिए लड़ती है, मांग करती है और अपने को सुसाइड करने की अगर वजह, अगर केवल 69,000 वैकेंसी है तो ये अच्छी बात नहीं है। ये बात सब तक पहुंचनी चाहिए। अगर इस तरह का कोई भी मामला आता है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? फ्रेंड्स, आप एक सेकंड के लिए भी सोच सकते हैं कि मैं गलत हूँ या गलत बातें कर रहा हूँ इस संबंध में, लेकिन आप खुद सोचिए, एक जो विद्यार्थी नहीं है, जो पढ़ नहीं रहा है, उससे भी अगर आप पूछ लीजिए किसी कमरे का, क्या 100% रिजल्ट आ जाए, वो भी 100 नंबर से ऊपर, और वो भी लगभग सेम नंबर और सेम कंटिन्यूस रोल नंबर में, ऐसा संभव है? तो ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। कोइंसिडेंस होता है, लेकिन इस तरह नहीं होता है कि पूरा पूरा कमरा ही कोइंसिडेंस में आ गया, सबका सेम नंबर हो जाए। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये कोइंसिडेंस बनाया गया है। लगता था कि पोल नहीं खुलेगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन अब देखिए इसका क्या क्या होता है। देखिए इन्होंने ये भी लिखा है कि एवरीथिंग फॉर दिस वैकेंसी, इन्होंने लिखा है प्लीज हेल्प अस अदरवाइज वी विल कमिट सुसाइड बिकॉज वी हैव गिवन एवरीथिंग फॉर दिस वैकेंसी, नोबडी इज लिसनिंग अस, प्लीज सर हेल्प मी। ये देखिए कितने लोगों को टैग की हुई हैं, योगी आदित्यनाथ जी को, डॉक्टर सतीश द्विवेदी जिन्हें आप जान रहे हैं शिक्षा मंत्री हैं, फिर न्यूज 18 यूपी, फिर रवीश सर NDTV इंडिया के जो हैं उनको आप जानते ही होंगे, JK 24x7 न्यूज को, फिर बेसिक शिक्षा यूपी, फिर अमिताभ ठाकुर जो IPS हैं अधिकारी, उनको भी कोमल ने क्या किया, टैग किया है, अपनी मांग अपनी बात को उन तक पहुंचाया है, लेकिन उनकी बात पर बिल्कुल अभी तक कोई अमल नहीं किया गया। अगर अमल किया जाता तो यह वैकेंसी द्रुतगामी गति से किस तरह दौड़ रही है आप खुद देख सकते हैं। इस कोरोना में कोई कहीं नहीं जाएगा, सब लोग एक जगह ठहर जाएंगे, एक साथ तक कोई वैकेंसी नहीं निकलेगी, ये सारे वादे किए जा रहे हैं। इस 69,000 की वैकेंसी को 69,000 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दौड़ाया जा रहा है कि यह वैकेंसी समय के पहले ही पहुंच जाए। देखिए अगला कंप्लेन है अजय भदौरिया जी का, इन्होंने शिक्षक भर्ती कंप्लेन टू PMO ऑफिस में कर दिया है, जहां लोग मंत्री, मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री, न्यूज चैनल, IPS अधिकारी, आला अधिकारी, PNP, बेसिक शिक्षा परिषद को कंप्लेन कर रहे हैं। वहीं अजय भदौरिया ने जब ये सब देखा कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है, तो लास्ट में उनके सामने एक ही ऑप्शन बचा और वह है PMO ऑफिस, तो उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही ट्वीट कर दिया और वहीं पर लेटर लिख के भेज दिया। देखिए लेटर में इन्होंने क्या लिखा है डिटेल में। देखिए इस भर्ती प्रक्रिया के कंप्लेन को उस हर एक व्यक्ति तक पहुंचाया जा रहा है जिससे उसको कोई उम्मीद है कि या मेरा कोई सहायता कर सकता है या कर सकती है। देखिए यहाँ पे कंप्लेन का नाम लिखा हुआ है, कंप्लेन इस दिन फाइल की गई है और यहाँ पे रिसीव बाय मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट PMO ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, नरेंद्र मोदी के ऑफिस में यह फाइल की गई है। देखिए क्या लिखा है इन्होंने, बहुत ही अच्छे से लिखा हुआ है। सेवा में श्रीमान प्रधानमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है जिसमें हजारों की संख्या में ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने टेट परीक्षा में 82 से 93 अंक अर्जित किए हैं, कितने में 150 में, और सुपर टेट में 132 से 145 अंक अर्जित किए हैं, कितने में 150 में। इनके लिए असंभव है क्योंकि इनके 10वीं 12वीं और स्नातक में 50% से भी कम अंक हैं। उन्होंने कहा है अचानक इतने मार्क कैसे लाएंगे, एक एक ही जिले के निवासी हैं सारे, और बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो एक ही पिता की संतान है, उनके 3 बच्चे हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई जमीन जायदाद बट रहा है कि तीनों को बराबर बराबर दे दिया जाए, सबको मिल गया 131 132 131 नंबर। ये लोग समान अंक लाए हैं जो कि बिना घोटाले के संभव नहीं है। इस प्रक्रिया के चलते प्रदेश में एक ईमानदार सरकार पर लोगों का तथा युवाओं का विश्वास अब खोने लगा है क्योंकि सरकार ने अभी तक इन नकलचियों पर कोई कार्रवाई नहीं की है। इन टॉपर की जांच होनी चाहिए और मीडिया पर इंटरव्यू भी ज़रूर होना चाहिए जिससे मेहनत करने वाले गरीब और योग्य अभ्यर्थियों को न्याय मिले। अतः श्रीमान जी से निवेदन है कि इसकी जांच करने का आदेश प्रदान करें तो आपकी बहुत महान कृपा होगी, धन्यवाद। करंट स्टेटस अभी देखिए, ग्रीवांस रिसीव्ड हो चुका है PMO ऑफिस में, इनका जो एप्लीकेशन है रिसीव हो गया है। तो देखिए इनका जो एप्लीकेशन है ये तो रिसीव्ड हो चुका है, अब इस पर क्या कार्रवाई होगी, क्या फैसला लिया जाएगा और किस तरह का जो शासन द्वारा निर्णय है उस इस वैकेंसी पर लिया जाएगा और क्या हो सकता है इस आगे इस वैकेंसी में, इन तमाम अपडेट के लिए आप मेरे चैनल पर लगातार बने रहिए। अगर आप अभी तक भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो काम जरूर कर लें और मेरे हर एक वीडियो को और इसको भी आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।